तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं डेटा कनेक्टिविटी में फिल्टर डेटा को कनेक्ट करना। तो लास्ट क्लास में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर मान लीजिए कि अगर आपको एक डेटा इंपोर्ट करना है चाहे एक्सेल से चाहे एक्सेस से, तो हमने यहाँ बताया था कि हमने फ्रॉम फाइल पे गए, फाइल को सिलेक्ट किया एंड इम्पोर्ट कर लिया, दो को मर्ज करना, अपेंड करना, ये सब चीजें हमने लास्ट क्लास में सीखा, वेब के साथ कैसे क्वेरी करते हैं उसके बारे में सीखा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मान लीजिए जब एक फाइल से दूसरे फाइल को कनेक्ट करते हैं, चाहे डेटा से कनेक्ट करते हैं, तो पूरा डेटा लेके आता है, मुझे उसमें से मान लीजिए कि कुछ डेटा चाहिए। जैसे हमने इसको मान लीजिए इम्पोर्ट किया, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा ये इम्पोर्टिंग थोड़ा स्लो चलता है। और शीट को सिलेक्ट कर लिया एंड लोड कर देता हूं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि आपका जो डेटा लोड हो रहा है ये पूरा हो रहा है, बट मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ अप्रैल महीने का डेटा चाहिए या सिर्फ जनवरी महीने का डेटा चाहिए, मुझे ओवरऑल नहीं चाहिए। मतलब कि मैं लोड करने के बाद इसमें ये नहीं लगाना चाहता हूं, फिल्टर नहीं लगाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि फिल्टर होके ही मेरे पास डेटा लोड हो। तो प्रॉब्लम समझ में आ गया, प्रॉब्लम समझ में आ गया ना सर? जी सर। अब चलिए सॉल्यूशन में। तो इसी में आपको गेट डेटा में माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी आएगा, फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी, दिख रहा है आपका? अगर आपके पास 2007 है तो आप देखेंगे अदर सोर्सेज में फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी आएगा, एमएस क्यूरी बोलते हैं इसको, उस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप आपका कौन सा डेटाबेस, एक्सेल है तो हमने एक्सेल को सिलेक्ट किया, एक्सेस है तो एक्सेस को सिलेक्ट किया, कोई अदर डेटाबेस है तो अदर सिलेक्ट करेंगे, लेकिन जनरली हम एक्सेल एक्सेस से लेके आते हैं। देन ओके, उसके बाद आपको उस लोकेशन पे जाना है जिस लोकेशन पे आपका फाइल है, यहां से ड्राइव चेंज कर सकते हैं, यहां से फोल्डर्स। तो मुझे डेटा वाले फाइल में जाना है, डेटा वाले फाइल में गए एंड यहाँ पे हमने ओके कर दिया। यहाँ पे क्या दिख रहा है, दिस डेटा सोर्स कंटेन नो विजुअल टेबल। जब फर्स्ट टाइम आप करेंगे ना सर, ऐसी प्रॉब्लम आएगी। ओके करने के बाद यहाँ इस तरह का पॉपअप आएगा, नीचे ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन पे जाएं और इस ऑप्शन पे सिस्टम टेबल पे क्लिक कर दें। सिस्टम टेबल पे क्लिक करके जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पे उस फाइल, जो फाइल आपने कनेक्ट किया है डेटा वाले, उसके जितने भी शीट है सारे शीट यहाँ दिख जाएंगे। तो डेटा का है हमारा, लेकिन अभी जो सिस्टम टेबल वाला जो ऑप्शन बताया वो आपको सिर्फ एक बार ही करना है, एक एप्लीकेशन में एक बार करना है, फिर मैं दोबारा कनेक्ट करूंगा किसी और फाइल से तो फिर मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूं इसलिए, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले अपना विंडोज इंस्टॉल किया है ना, इसलिए फर्स्ट टाइम मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इंस्टॉल करने के बाद। तो इसमें देखिए आपके पास जो ये शीट में इतने डेटा है, अगर पूरा का पूरा डेटा चाहते हैं तो यू कैन ऐड द पूरा डेटा, अगर मान लीजिए कोई कॉलम चाहिए कोई कॉलम नहीं चाहिए तो आप वहां से हटा भी सकते हैं। मतलब कि जरूरी नहीं है कि मुझे पूरा कॉलम पूरा डेटा ही चाहिए, मुझे मान लीजिए परफॉर्मेंस स्कोर नहीं चाहिए तो सिलेक्ट करके मैं यहाँ से क्लिक कर दूंगा, परफॉर्मेंस स्कोर यहाँ से हट जाएगा, मेरा डेटा परफॉर्मेंस स्कोर नहीं आएगा, चलो मैं हटा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जब आपका कॉलम फाइनल हो जाए फिर मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद अब बात करते हैं कंडीशन की, तो मुझे मंथ के ऊपर कंडीशन अप्लाई करना है, तो मंथ को सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमारे फिल्टर कंडीशन इक्वल इज नॉट इक्वल बिगिन विद वगैरह वगैरह वगैरह, तो हमने यहाँ पे इक्वल पे गए और यहाँ पे हमने अपना सिलेक्ट कर लिया, जैसे मैंने जैन को सिलेक्ट कर लिया। फिर अगर कोई और मतलब एक क्राइटेरिया है, अगर दूसरी क्राइटेरिया है तो फिर आप दूसरा लगाइए, दूसरे कॉलम की क्राइटेरिया है तो कॉलम को सिलेक्ट कीजिए और अपना क्राइटेरिया लगाइए, ठीक है सर। जब आपका फिल्टर वाले जिसे जिसे फिल्टर करके लाना वो अगर पूरा हो जाए फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए। फिर यहाँ पे आता है सॉर्ट बाय, मतलब कि आपको किसी एक फील्ड के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है या फिर जैसा डेटा डेटा जैसा है वैसा ही चाहिए।
तो आप चूज कर सकते हैं। सॉर्ट के लिए तीन तरीके हैं, तीन तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं सॉर्ट ऑर्डर। फिर नेक्स्ट, अब इसमें दो चीजें है कि यहाँ पे व्यू इन द एडिट क्यूरी या रिटर्न द डेटा, मतलब कि आपको इसमें कुछ और एसक्यूएल की क्यूरी लिखना ही लिखना है या फिर आप लोड करना चाहते हैं डेटा। मैं बोला लोड करना है एंड ओके। ये देखिए जनवरी का डेटा आ गया मेरा सर। तो हमने यहाँ पे फिल्टर डेटा को कनेक्ट किया हुआ है। अब इसमें एक चीज आता है, हम डेटा मेनू बार में जाते हैं, क्यूरी एंड कनेक्शन पे क्लिक करते हैं। अच्छा इसमें नहीं आ रहा है प्रॉपर्टी, रिफ्रेश और कनेक्शन प्रॉपर्टीज यहां दिख रहा है ना, कनेक्शन प्रॉपर्टीज खुल गया। इसके डिफिनेशन आपको यहां दिख रहा होगा, तो डिफिनेशन में बेसिकली यहाँ पे अगर आप 2007, 13, 16 यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे कनेक्शन दिखेगा, कनेक्शन पे क्लिक करेंगे और जितने कनेक्शन होगा उसकी प्रॉपर्टी दिखेगी। लेकिन 2019 में थोड़ा सा ये सब चेंज कर दिया हुआ है। तो हमने कनेक्शन प्रॉपर्टीज कहाँ ले लिया था, रिफ्रेश ऑल में जाके कनेक्शन प्रॉपर्टीज पे हम गए थे। तो ये देखिए इसने SQL क्यूरी लैंग्वेज यहाँ पे लिखा हुआ है, सिलेक्ट कमांड, SQL का सिलेक्ट कमांड यहाँ लिखा हुआ है और कंडीशन में वेयर की जगह पे यहाँ पे जैन दिया हुआ है। अब इसमें दिक्कत ये आती है कि मैं चाहता हूँ कि भाई मैं अभी जैन के सारा हूँ फिर फैब का चाहिए, तो क्या मुझे दोबारा क्यूरी लगानी पड़ेगी? जरूरी नहीं है, हम इसी क्यूरी को कुछ इस तरह से मॉडिफाई कर देते हैं, यहाँ पे जैन की जगह फैब कर देंगे तो फैब हो जाएगा, या फिर किसी सेल से लिंक करना चाहते हैं तो आप उसको लिंक भी कर सकते हैं। इसके लिए मैंने इसका डिलीट किया और इसके जगह पे मैंने क्वेश्चन मार्क दिया और ओके करता हूं। इस क्वेश्चन मार्क देने के बाद जैसे ओके करेंगे तो आपसे पूछेगा पैरामीटर्स, तो पैरामीटर्स के लिए हमने रेफरेंस इसको J2 के ले लिया और यहाँ यूज द वैल्यू रेफरेंस फ्यूचर रिफ्रेश एंड रिफ्रेश ऑटोमेटिकली व्हेन द वैल्यू चेंज, ये दो चीज पे क्लिक करके ओके कर दिया। अभी कुछ नहीं दिख रहा है, जैसे यहाँ पे J1 पे मैं यहाँ पे मंथ देता हूँ और जैसे यहाँ पे मैं फैब डालूंगा मेरे पास फैब का डेटा आ जाएगा, आ गया। मार्च डालूंगा मार्च का डेटा, अप्रैल डालूंगा अप्रैल का डेटा। अब यहाँ पे इसको ड्रॉप डाउन भी आप बना सकते हैं, अब नायक जी, रक्षित जी, विक्की जयसवाल जी, एनी डाउट्स? नहीं सर, बहुत बढ़िया सर। इसमें अगर 2 months का एक साथ करना है तो मैंने आपको जब बताया था ना कई कंडीशन लगाया था जहां पे हमने इक्वल टू जैन किया था उसी पे नीचे और था। ओके, नहीं अभी इसमें कर सकते हैं यहीं पर, इसमें करने के लिए मैं वही तो बोल रहा हूँ, इसमें करने के लिए फिर आपको SQL क्यूरी जानना पड़ेगा, तभी तो आप यहाँ डेफिनेशन में जाके इस क्यूरी को एडिट करेंगे। यहाँ पे हमने एडिट किया ना सर, तो वेयर कमांड के अंदर में इसी कोड को कॉपी करके और लगा के इस कॉपी को पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद फिर वही मंथ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड दूसरा लिंक। उसके लिए अब इसको देखिए मैं बताता हूँ कैसे करूंगा। मैं इसको कॉपी करके सिलेक्ट कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं देखता हूँ और या एंड, यू कैन चॉइस, और दोगे तो भाई दोनों मंथ में से कोई एक मंथ भी रहेगा फिर भी आ जाएगा, एंड तो दोनों मंथ होने चाहिए तो एंड और मंथ तो फंसते ही आप। फिर जैसे मैं इसको ओके करूंगा उसके दूसरा पैरामीटर पूछेगा, पैरामीटर टू क्या, एंड पैरामीटर टू में मैं दूसरा मंथ को सिलेक्ट करके ओके करूंगा। और दूसरा मंथ यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे मान लीजिए अप्रैल डाला, अब मुझे मई और अप्रैल दोनों का डेटा। सर यस सर, तो ये थी हमारी माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी में SQL क्यूरी को ऐड करना है, लेकिन उसके लिए हमें SQL की नॉलेज चाहिए।
बट प्रॉब्लम है कि आप लोगों से मैंने क्लास स्टार्ट होते ही पूछा कि आप लोगों को एसक्यूएल क्वेरी आती है, तो आपने बोला कि नहीं मुझे एसक्यूएल क्वेरी नहीं आती है। तो पहले आपको थोड़ी सी एसक्यूएल क्वेरी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास एक वेबसाइट है टेक ऑन द नेट, जो कि मैं जो शुरुआत में एसक्यूएल क्वेरी पढ़ रहा था तो मैंने उसी से सीखा था, वो सिंपली समझा रखा है। एक मिनट में भी निकाल देता हूं। टेक ऑन द नेट साइट मेरी वेबसाइट नहीं है, किसी और की वेबसाइट है, बट मैं रिकमेंड कर रहा हूँ सर, क्योंकि मैं भी इसे सीखा था सर। तो एसक्यूएल लीजिए, तो एसक्यूएल में आपको एसक्यूएल की पूरी कमांड नहीं पढ़नी है सर, आपका तो जितने सिलेक्ट स्टेटमेंट है ना, सिलेक्ट के बारे में पढ़ना है, यूनियन के बारे में पढ़ना है, ऑपरेटर जो भी है इसके बारे में सर पढ़ना है, और इसमें जो कंडीशन लगाते हैं एंड और नॉट, इन कंडीशन के बारे में पढ़ना है। तो सिलेक्ट कमांड क्या करता है कि डेटाबेस से आपके डेटा को लुकअप करता है। अब मैं छोटा सा एग्जांपल समझाऊं, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे है सिलेक्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम द टेबल कंडीशंस एंड ये आपका आता है ऑर्डर, मतलब कि सॉर्टिंग का। यहाँ पे देखिए, अगर देखिए सामने दिख रहा है डेटाबेस सर, अगर आपके पास डेटा है जिसमें कस्टमर आईडी है, नेम है, लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है एंड सेपरेट वेबसाइट है, ठीक है। अब मुझे अगर मैंने यहां पे लिख दिया सिलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब क्या हुआ कि पूरा डेटा चाहिए फ्रॉम द कस्टमर, तो कस्टमर टेबल से हमें पूरा का पूरा डेटा चाहिए, राइट। अगर मैं इतना लिखता हूं तो क्या करेगा, पूरा का पूरा डेटा मुझे शो कर देगा। अब मुझे कंडीशन अप्लाई करना है, तो वेयर फेवरेट वेबसाइट इक्वल टू टेक ऑन द नेट। अब एक कोड कमांड लगाने से क्या हुआ कि इस फेवरेट वेबसाइट का वाले कॉलन में जो टेक ऑन द नेट डॉट कॉम है सिर्फ उसी को लुकअप करेगा, और यहाँ पे आता है ऑर्डर बाय लास्ट नेम असेंडिंग, तो जो लास्ट नेम है उसको असेंडिंग में शॉर्ट करके डेटा देगा। तो डेटा इस तरह से आपके पास विजुअल होगा, ठीक है। अगर मैं एक कोड लिखता हूं तो एसक्यूएल में लिखू, चाहे एमएस क्यूरी में लिखू या ऑरेकल में लिखू, सब जगह सेम लिखाता है सर, या एक्सेस में लिखू, उस तरह से डेटा है आपका। यहां पे अगर मुझे सिर्फ दो कॉलम चाहिए तो सिलेक्ट सप्लायर नेम एंड सिटी, दो कॉलम लिया कहां से, फ्रॉम द सप्लायर। कंडीशन क्या है, वेयर द सप्लायर आईडी इज ग्रेटर देन 500। सॉर्टिंग इसमें करना है तो सॉर्ट बाय सप्लायर नेम असेंडिंग, और सेकेंड सॉर्ट क्या है, सिटी डिसेंडिंग। तो डेटा आपका इस तरह से होगा। तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लें, इसके बाद हम बताएंगे कि एमएस क्यूरी में किस तरह से हम अपना चेंजिंग करते हैं, राइट सर। हेलो जी सर,